प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। आज यूपीएससी का रिजल्ट घोषित किया गया है और आपने 27वीं रैंक पहली बार में हासिल किया था। अभी तो रियलाइज करने का टाइम ही नहीं मिला है, बट आई एम रियली रियली हैप्पी। कितना चैलेंजिंग रहा है? चैलेंजिंग से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहा, बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी, बट उसके अंदर फैमिली काम। सचिव, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा को पास करे। आपने की है, तैयारियाँ कहाँ से थी, स्टार्टिंग कहाँ से था, बेसिक स्कूलिंग कहाँ से थी, कैसे शुरुआत की? जहाँ तक स्कूलिंग की बात है, मैंने 10th आगरा से ही सेंट कॉन्वेंट इंटर कॉलेज से करा, उसके बाद फिर 11th 12th ह्यूमैनिटीज़ में DPS वसंत कुंज से करा, उसके बाद फिर सेंट स्टीवंस कॉलेज में BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में करा। जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, सेकेंड ईयर के अंदर मुझे लगा था कि प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए उस टाइम, लेकिन ज़्यादा प्रिपरेशन हो नहीं पाई। कुछ बेसिक बुक्स मैंने पढ़ी थी, जो प्रॉपर प्रिपरेशन थी वो कॉलेज मैंने 2020 में ख़त्म करा था, उसके बाद करी। 2020 में दे नहीं सकता था क्योंकि अंडर एज, फिर 2021 में। UPSC भारी भरकम शब्द जैसे ही सुनते हैं तो आंखों के सामने बहुत सारी किताबें, बहुत सारी तैयारी, चैलेंजेस, वो सब सामने आते हैं। आपके दिमाग में कहाँ से आया कि चलिए भैया अब UPSC करते हैं? किसने डाला दिमाग में, किसने बताया? तीन चीज़ें थी। एक तो मेरे फैमिली में कई ब्यूरोक्रेट्स थे, मेरे ग्रैंडफादर रेलवे में रहे, मेरे पापा पावर ग्रिड में रहे, बाकी लोग भी, एक तो वहाँ से था। दूसरा फिर कॉलेज में सेंट स्टीवंस में कई एलुमनाई ब्यूरोक्रेट्स थे, वो लोग आते थे लेक्चर देने के लिए। जब वो लोग लेक्चर देते थे तब लगता था कि इस जॉब में शायद जॉब सेटिस्फैक्शन होगा। तीसरा फिर मैं बुक्स पढ़ता था पॉलिटिक्स और इकोनॉमिस्ट्स की, स्पेशली 1970s-80s के दौर के ब्यूरोक्रेट्स के, उन बुक्स में इसको देख के लगता था कि हाँ, ये जॉब ऐसी है जहाँ पर इंटरेस्ट बनी। एक आम धारणा है लोगों में जो भी UPSC की तैयारी करता है कि नहीं भैया, 8-8 घंटे पढ़ाई करनी है, 16-16 घंटे पढ़ाई करनी है, दिन रात पढ़ाई करनी है, वो सब ऐसी धारणा है। क्या आपको लगता है कि आपने ये फ्री मेहनत उसी बेस से आपने तैयारी की, 8 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ना है? इतना ज़्यादा तो नहीं, मेरे ख्याल से 5-6 घंटे स्टार्टिंग में बढ़ा के 6-7 घंटे, हाँ एग्ज़ाम के टाइम पे उसके एक दो हफ्ते पहले 8-9 घंटे तक पहुँच जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम पढ़ते ही जाना है, बीच में तो 20-25 दिन का भी ब्रेक लिया है मैंने, मेरे ब्रदर की वेडिंग थी तो 20-25 दिन का भी ब्रेक लिया था, एकदम पेशेंटली, क्योंकि इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, तो धीरे धीरे पढ़ते रहे तो कुछ सक्षम को स्पोर्ट्स एक टेबल सॉकर होता है, फूसबॉल। कितना तैयारी में इसमें समय लगा और आपने पहले टर्न में निकाल दिया है, हालांकि अब तो UPSC निकल गया है, लगता है कि आप भारी भरकम एक रसूल का पद है DM का, उसके पोस्ट पे जाएंगे और अपने ज़िले में इन कामों को आप करवाएंगे? देखिए, वैसे तो DM की एग्जैक्ट जो निटी ग्रिटीज है जॉब की, वो तो अभी ट्रेनिंग में पता चलेगी, लेकिन मुझे जो सेक्टर्स लगते हैं हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वर्क, इसके अंदर, और इसके अंदर क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट रहा है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, उसे मैं इसकी पॉलिसी मेकिंग में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, वो DM के स्तर पे हो या आगे सेक्रेटरी के स्तर पे हो, उसे मैं एक्सप्लोर करूँ। तमाम एज के आपके लिए लोग हैं जो आपको कैमरे के पीछे देख रहे होंगे, वो जानना चाहेंगे कि एक UPSC एस्पिरेंट से पूछना भी चाहेंगे कि आखिरकार वो तैयारियाँ करें तो किस हिसाब से तैयारी करें, सिलेबस कैसा हो, उनका डेली रूटीन कैसा हो, किस तरह से तैयारियाँ करें तो कामयाबी उन्हें भी मिले। देखिए, जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं यही कहूँगा कि जो पास्ट ईयर टॉपर्स हैं वो अपने लेक्चर्स देते हैं, उन लेक्चर्स को देखिए, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखिए और उस हिसाब से अपने ऊपर एक कस्टमाइज्ड प्लान बनाइए। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योरसेल्फ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।